हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप फार्मिंग सिमुलेटर 23 में अपनी काउस को जो है वो फीड कर सकते हो। सो गाइस काउस को फीड करना थोड़ा सा जो है वो इस बार डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो भाई आप लोगों को ये काउ फार्म जो है वो बाय करना पड़ता है। 2.5 लाख का ये काउ फार्म है और इसके बाद ही जाके आप जो है वो फीड कर सकते हो। और फीड करने में भी एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काउस की जो है वो 3 तरह की प्राइसेस मिलती है। जो सबसे सस्ती वाली है वो अभी बछड़े होते हैं, यानी पहले उन्होंने ग्रो करना है, फिर ग्रो करने के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। जो सबसे महंगे वाले होते हैं वो फुली एडल्ट काउज होती हैं, जो कि इंस्टेंटली प्रोडक्शन जो है वो शुरू कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिए हैं कुछ फुली ग्रोन अडल्ट काउज, जो कि इंस्टेंटली मिल्क की प्रोडक्शन शुरू कर देंगी जैसे ही मैं इनको फीड करूँगा। सो जैसा कि मैं बोल रहा था कि इस बार थोड़े से डिफरेंट चीज़ें हैं, और उनमें से डिफरेंस एक ये भी है कि इस बार जो है वो आप काउ फार्म के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल है। और ये इनका फीडिंग एरिया है जहाँ पे आप इतनी चीज़ें अनलोड करनी है। सो गाइस यहाँ पे 3 तरीके हैं कि आप 3 तरीकों से अपनी काउस को जो है फीड कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप साइलेज अनलोड कर दो उनके फीडिंग ट्रॉफ में, जिससे आपको 100% इफेक्टिवनेस मिलेगी। दूसरा तरीका है कि आप हे अनलोड कर दो, जिससे आपको 80% इफेक्टिवनेस मिलेगी। या फिर चौथा तरीका है कि आप ग्रास अनलोड कर दो, जिससे सिर्फ 40% इफेक्टिवनेस मिलेगी। याद रहे कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ ये यूज़ करेंगी, सो सारी चीज़ें जो है वो मिक्स करके यूज़ नहीं करेंगी। और साथ ही साथ गाइज आपको स्ट्रॉ जो है वो भी अनलोड करना पड़ेगा, जो कि यूज़ होगा काउस की कंडीशनिंग के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे जो है वो साइलेज के साथ फीड कर सकते हैं ताकि 100% इफेक्टिवनेस मिले। सो गाइज सबसे पहले तो आपको ये मिक्सर वैगन चाहिए, जो कि बहुत ही आसान है। आपको जो है वो बाय करने के लिए आप जाना पड़ेगा एनिमल्स की कैटेगरी में, और यहाँ से आप ये वाली मिक्सर वैगन बाय कर सकते हैं। $50,000 इसकी जो है वो प्राइस होने वाली है। इसके बाद गाइज आप लोगों ने जहाँ पे भी आपने साइलेज बेल्स बनाई हैं, या तो इसको वहाँ पे ले जाएं, या फिर अगर आपने मेरी तरह साइलेज बेल बना के स्टोर कर रखी हैं, सो यहाँ पे अपने बान के करीब आएँ और यहाँ पर स्टोरेज में से 2-4 जितनी भी आपने निकालनी है साइलेज बेल्स जो है वो निकालें। यहाँ पर मैंने 5 निकालनी है और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से। सो इसके बाद आपने सिर्फ ये करना है कि आपने ये वाला टूल जो है वो इन बेल्स के करीब लेके चले जाना है, और ये खुद ही बेल उठा के अपने अंदर जो है वो रख लेगी और इसको जो है वो क्रश करके साइलेज निकाल लेगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 by 1 करके ये साइलेज बेल्स जो है वो पिक करती जा रही है, और ब्लेड्स जो है इसके अंदर घूम रहे हैं, वो ब्लेड्स जो है वो क्रश करके लूज़ साइलेज जो है वो बनाते जा रहे हैं, क्योंकि जो पहले जो हमने साइलेज बनाया वो जो है वो बेल की फॉर्म में है। सो अभी यहाँ पे ये मिक्सर वैगन चल रही है, आप इसको बंद भी कर सकते हैं, दोबारा से जब आप अनलोडिंग करोगे तो ये खुद से चालू हो जाएगी। सो गाइस यही तरीका मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा, क्योंकि इस तरीके से आपको 100% इफेक्टिवनेस मिलने वाली है। सो आप लोग भी जो है वो कोशिश करें कि यही वाला मेथड यूज़ करके अपनी घास को फीड करें। अगर आपके पास साइलेज नहीं है तो आप दूसरे मेथड यूज़ कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे इसको ड्राइव करके इस ट्रिगर के पास लेके आना है, जैसे यहाँ पे आएंगे तो ये खुद से ही अनलोड करना शुरू कर देगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने सारी साइलेज जो है वो यहाँ पे अनलोड कर दिया, और ये टोटली जो है वो एम्प्टी हो चुकी है मिक्सर वैगन, और इसका काम जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अभी यहाँ पे गाइज हमने अनलोड करना है स्ट्रॉ, तो स्ट्रॉ के भी जो है वो 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आपके पास अगर लूज़ फॉर्म में स्ट्रा पड़ा है, मतलब आपने उसकी बेल्स नहीं बनाई, आपने फील्ड वगैरह हार्वेस्ट किए हैं पर काफ़ी ज़्यादा आपके पास जो है वो लूज़ फॉर्म में स्ट्रा पड़ा है, सो आप एक जो है वो लोडिंग वैगन यूज़ कर सकते हैं, और जितना भी लूज़ स्ट्रा है वो आप पिक कर लें इस लोडिंग वैगन से। और पिक करने के बाद आप ये सारे का सारा लूज़ स्ट्रा जो है वो अपने काउ फार्म पे ले जाके वहाँ पे अनलोड कर दें। नाउ स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है काउज़ की कंडीशनिंग के लिए, क्योंकि एक तो एज अ बेडिंग यूज़ होता है ये स्ट्रा, और दूसरा यह है कि इसी स्ट्रा को यूज़ करते हुए काउस जो है वो मैनर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आप एज अ फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो इतना सा मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। और अगेन ये स्ट्रा भी आपने ऐसे ही अनलोड करना है जैसे हमने फीड अनलोड किया है, कि यहाँ पे इस ट्रिगर पे ले आना है, और यहाँ पे आपने देखा कि ये लोडिंग वैगन इतनी फास्ट थी कि उसने 1 मिनट में ये सारा अनलोड कर दिया। दूसरा तरीका जो है वो इसलिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कि अगर आपके पास स्ट्रा जो है वो बेल्स की फॉर्म में हो, तब आपको ये वाला टूल यूज़ करना पड़ेगा, प्रोचॉप 150 एंडरसन ग्रुप की जानिब से। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कुछ बेल्स बना रहा हूँ, और यहाँ पे आपने जो है वो बेल्स को यूज़ करना है बेसिकली। सो ये भी सेम ही मिक्सर वैगन की तरह आपने इसको बेल्स के करीब ड्राइव करना है, खुद ही बेल उठा लेगा, और एक टाइम पे ये सिर्फ एक ही बेल उठाएगा, एक से ज़्यादा बेल जो है ये नहीं उठाएगा। सो अगेन आपने इसी तरह इसको जो है वो काउ फार्म के अंदर उस ट्रिगर के ऊपर ले के जाना है जहाँ पर हमने जो है वो मिक्सर वैगन ले के गए थे, या फिर लोडिंग वैगन ले के गए थे। जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं अंदर ले के आएँ, और इसने अनलोड करना शुरू कर दिया एक्स्ट्रा, और ये सारा का सारा स्ट्रा जो है वो यहाँ पे अनलोड हो रहा है। सो
तो यहाँ पे गाइज अगर हम स्टेटस देखें फीड करने के फौरन बाद, तो ये कुछ इस तरह से प्रोडक्टिविटी स्टार्ट नहीं है, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। सो इसका मतलब अभी हमें थोड़ा सा जो है टाइम स्किप करना पड़े। सो गाइज थोड़ा सा टाइम स्किप करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्टिविटीज हमारी काउस की 100% है। 6000 लीटर इन्होंने मिल्क प्रोड्यूस कर भी दिया है और स्लरी जो है वो 10000 लीटर प्रोड्यूस की है। सो अभी साइलेज थोड़ी सी कम हो गई है, वो आप दोबारा अनलोड कर दीजिएगा। सो गाइज ये था तरीका काउस को फीड करने का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही ट्यूटोरियल्स फ्यूचर में देखने को मिलते रहें। बाय बाय।